Hello everyone, so we are seeing taxonomic aids. In previous video we have seen total 3 taxonomic aids, and those are botanical garden, museum and zoological park. Now we are going to start with the next one, that is herbarium. Now ये जो herbarium taxonomic aid है, with the help of this you plants are studied, right? With the help of herbarium हम क्या study कर सकते हैं? Plants को study कर सकते हैं, okay? अब ये study किया कैसे जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट द प्लांट इज कलेक्टेड. हर्बेरियम में क्या किया जाता है? प्लांट जो है इसे कलेक्ट किया जाता है. यूजुअली प्लांट की जो ब्रांच है अलॉन्ग विथ फ्लावर, या फिर फ्रूट भी हो सकता, फ्रूट नहीं हो सकता, यूजुअली फ्लावर्स अलॉन्ग विथ फ्लावर इन्हें कलेक्ट किया जाता है, राइट? देन नेक्स्ट वन, वो जो प्लांट आपके पास है इट इज ड्राइड, उसे क्या किया जाएगा? ड्राई किया जाएगा. देन आफ्टर ड्राइंग इट इज ड्राइड एंड प्रेस्ड, ओके, प्रेस किया जाएगा सो दैट इट विल बिकम कंप्लीटली फ्लैट, एंड देन लेटर इट इज माउंटेड ऑन पेपर शीट. ठीक है, टोटल 3 स्टेप्स आ गए. फर्स्ट प्लांट कलेक्ट किया जाएगा, देन प्लांट को ड्राई प्रेस किया जाएगा, देन थर्ड वन इट इज माउंटेड ऑन पेपर शीट. एक व्हाइट कलर का पेपर का शीट होगा जिसके ऊपर उसे माउंट किया जाएगा, ओके? अब यहाँ पर जो पेपर शीट यूज किया है ना, इसकी भी एक स्टैंडर्ड साइज रहती है, उसी साइज के पेपर्स जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ओके? फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेंगे, सपोज दिस इज द पेपर शीट, ठीक है? अब इस पेपर शीट पे मैंने सपोज एक प्लांट जो है ये ड्राई करके मैंने प्लेस किया हुआ है, ठीक है? पेपर पे मैंने इसे माउंट किया है, ओके? ये बन गया हर्बेरियम. अब ऑन दिस हर्बेरियम, ऑन द राइट लोअर कॉर्नर, ये कॉर्नर दिख रहा है, राइट लोअर कॉर्नर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अबाउट प्लांट इज गिवन. प्लांट का यहाँ पे क्या दिया जाएगा? डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा. अब ये डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? तो फर्स्ट यहाँ पे होगा लोकल नेम ऑफ द प्लांट, नेक्स्ट होगा बोटानिकल नेम या फिर जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, देन लोकेशन इज आल्सो मेंशन्ड, लोकेशन फ्रॉम विच, या फिर जब प्लेस जहां से इस प्लांट को कलेक्ट किया गया है दैट लोकेशन इज आल्सो मेंशन्ड, देन द डेट ऑन विच द प्लांट इज कलेक्टेड, दैट डेट इज ऑल्सो मैंशन. अगेन अलॉन्ग विथ दैट प्लांट हैबिटेट इज ऑल्सो मैंशन, ओके? अगेन अलॉन्ग विथ दिस कलेक्टर नेम इज ऑल्सो मैंशन, जिस पर्सन ने ये प्लांट को कलेक्ट किया है उस कलेक्टर का नाम भी यहाँ पे मैंशन किया जाएगा, ओके? तो यहाँ पर ये सब डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करने के बाद आपको मिलेगा एंटायर हर्बेरियम, राइट? सिंपली हर्बेरियम में क्या होगा? तो देर इज गोइंग टू बी प्लांट जिसे हम ड्राई प्रेस करेंगे, देन वी विल माउंट इट ऑन द व्हाइट पेपर शीट जो कि होगी स्टैंडर्ड साइज की, देन ऑन द राइट लोअर कॉर्नर द डिस्क्रिप्शन अबाउट प्लांट इज गिवन. डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाएगा? लोकल नेम, बोटानिकल नेम, लोकेशन, द प्लेस फ्रॉम विच द प्लांट हैज बीन कलेक्टेड, देन द डेट एंड हैबिटेट एंड कलेक्टर नेम इज ऑल्सो मेंशन्ड, ठीक है? So this is about the herbarium. Now let's move to the next taxonomic aid, and that is key. So the next taxonomic aid kya hai? It is key. Ab ye jo key hai, it is very interesting, right? की में क्या रहता है? तो स्टेटमेंट्स रहती है, राइट? सिंपली स्टेटमेंट्स रहती है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना अल्टरनेट स्टेटमेंट्स रहती है, मतलब अपोजिट स्टेटमेंट्स रहेगी, ओके? अल्टरनेट रहेगी, ओके? अब ये जो अल्टरनेट स्टेटमेंट्स है ना, इनका एक सेट बनाया जाता है, एंड दैट सेट इज नथिंग बट द की. तो की इज सिंपली सेट ऑफ अल्टरनेट सेंटेंस स्टेटमेंट्स, इट इज सेट ऑफ अल्टरनेट
स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास एक की है, ओके। अब इस की में सपोज टू स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कितने स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ओके। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को कलेक्टिवली कहा जाता है कपलेट। क्या कहेंगे अब इसे, कलेक्टिवली कपलेट ना। अब यहाँ पे तो दो स्टेटमेंट्स है ना, राइट। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो यहाँ पे है, दिस इज नोन एज लीड, ओके। एक जो अकेला इंडिविजुअल स्टेटमेंट होगा इसे हम कहेंगे लीड, और जो दोनों स्टेटमेंट्स है इन्हें हम कलेक्टिवली कहेंगे कपलेट, ठीक है। सो देयर इज गोइंग टू बी कपलेट, और कपलेट के अंदर होंगे दो स्टेटमेंट्स जिसे हम कहेंगे लीड, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे एक की का, सपोज टू कीज आ गए, ओके। फर्स्ट की क्या है, फर्स्ट की है सिंगल सेल, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं, मेनी सेल क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं, दो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, राइट। तो इसे हम कहेंगे कपलेट, और इंडिविजुअल स्टेटमेंट ये होगा लेट। अब हर एक स्टेटमेंट के आगे समथिंग इज रिटन, सपोज यहां पे लिखा है गो टू की टू, और यहां पे लिखा है गो टू की नंबर थ्री, राइट। गो टू की नंबर टू एंड गो टू की नंबर थ्री, ये हो गई फर्स्ट की। नाउ द सेकंड की है न्यूक्लियस प्रेजेंट प्रोटिस्टा एंड न्यूक्लियस एब्सेंट मोनोड, ओके। सो दो कीज है आपके सामने, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड वन, ओके। सपोज यू आर स्टडिंग सर्टन ऑर्गेनिज्म, ओके। अब आप जो ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हो, सपोज ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, राइट। तो मेरी की कौन सी हो गई, ये हो गई सिंगल सेल्ड, राइट। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगी सिंगल सेल्ड। नाउ व्हाट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ सिंगल सेल्ड, क्या लिखा है, गो टू की नंबर टू, है ना। तो हमें कहाँ जाना है, की नंबर दो के पास जाना है, की नंबर टू यहाँ पे, राइट। की नंबर टू पे क्या लिखा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट न्यूक्लियस एब्सेंट। अब मैं क्या करूंगी, उस ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करूंगी अंडर द माइक्रोस्कोप, और देन आई विल सी वेदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और एब्सेंट। सपोज न्यूक्लियस जो है एब्सेंट है, राइट। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट, राइट। वॉट इज रिटर्न इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियस एब्सेंट, तो इट इज मोनेरा, राइट। वो किस किंगडम से बिलोंग करेगा, इट विल बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। तो ये क्या होगा ऑर्गेनिज्म, इट इज गोइंग टू बी बैक्टीरिया। और अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो ये होगा प्रोटिस्टा, है ना। सो इन दिस वे कीज जो है दे हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज एंटायर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके। सो दिस इज अबाउट द कीज। नाउ नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड जो है, इट इज मोनोग्राफ। अब ये मोनोग्राफ बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर वर्ड जो मोनोग्राफ है, यहाँ पे आपको मोनो ये वर्ड दिखाई देगा, मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, राइट, सिंगल वन। तो यहाँ पर मोनोग्राफ में क्या किया जाता है, ओनली सिंगल टैक्सोन या फिर ओनली सिंगल कैटेगरी स्टडी, राइट। एक सिंगल टैक्सोन या फिर सिंगल कैटेगरी स्टडी की जाएगी, राइट। अब इस कैटेगरी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उसका यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। सो दिस इज द मोनोग्राफ। देन द नेक्स्ट वन है मैन्युअल। अब मैन्युअल में जो है ओनली सिंगल स्पेसीज इज स्टडीड, यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाएगा, सिर्फ एक स्पेसीज का स्टडी किया जाएगा, उसे हम कहेंगे मैन्युअल। एकदम डिटेल स्टडी होगा मैन्युअल में, एक ही किसी ऑर्गेनिज्म का, ओके। देन
नेक्स्ट है फ्लोरा फौना. अब ये आप फैमिलियर होंगे, वर्ड आपने सुना होगा फ्लोरा फौना. तो फ्लोरा पहले देखेंगे हम क्या है. तो जस्ट इमेजिन ए पर्टिकुलर एरिया. ओके, अब इस एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर गोइंग टू बी देयर, राइट. तो एरिया में जो भी जिस भी तरह के प्लांट्स प्रेजेंट होंगे ना, इन सभी प्लांट्स को हम कहेंगे फ्लोरा ऑफ दैट एरिया. ओके, तो प्लांट्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया दैट इज नोन एज फ्लोरा एंड देन फौना. एग्जैक्टली फ्लोरा की तरह है, सिर्फ प्लांट्स की जगह यहाँ पे हो गए एनिमल्स. यहाँ पे होंगे प्लांट्स और यहाँ पे होंगे एनिमल्स. तो फौना क्या होगा, डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया दैट इज नोन एज फौना. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है ये फिनिश होते हैं एंड यहाँ वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड. ओके, थैंक यू.